मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, नाउम्मीदी के अंधेरे छुट गए। फौज पाकिस्तान का बटग्राम की तहसील अलाई में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। पाक फौज के एसएसजी कमांडोज की कोशिशें रंग ले आई। चेयरलिफ्ट में फंसे 7 बच्चों और एक उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। रात होने के 22 फजाई ऑपरेशन रोक दिया गया। मुतबादिल तरीकों से पाक आर्मी का रेस्क्यू मिशन जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग एसएसजी ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। आईएसपीआर का कहना है, फौज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में आवाम के साथ खड़ी रही है और रहेंगे। निगरान वज़ीरे दाखला का पाक अफवाज के जवानों को खराज तहसीन। सरफराज बुगटी कहते हैं, ऑपरेशन मुकम्मल करने में मुसलह अफवाज के जवानों के अज़्म और हौसले की काबिले तारीफ। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। निगरान वज़ीरे आज़म का बटग्राम में चेयरलिफ्ट से बच्चों और उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर इजहार तशक्कुर। अनवारुल हक काकर कहते हैं, मुश्किल ऑपरेशन को इंतहाई पेशा वाराना अंदाज से मुकम्मल किया गया। ऑपरेशन में शामिल अफसरान, एहलकारों और रजाकारों ने 8 कीमती जानें बचाई। निगरान वज़ीरे आज़म का रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक मुकामी और दूसरे इलाकों से हंगामी बुनियादों पर आए रजाकारों को भी खराज तहसीन। बटग्राम के पहाड़ी इलाके अलाई पाश्तों में सुबह 7:45 पर चेयरलिफ्ट टूटने का वाकया पेश आया। 7 बच्चे और एक उस्ताद स्कूल जाने के लिए सवार हुए थे। ट्रॉली के 3 तार थे, जिनमें से 2 टूट गए। एक तार से चेयरलिफ्ट हवा में रुकी रही। 600 फुट की बुलंदी पर 8 जिंदगियां 15 घंटे तक खचखोले खाती रही। हेलीकॉप्टर नजदीक जाने से हवा के दबाव से ट्रॉली हिलना शुरू कर देती थी, जिससे लिफ्ट के टूटने का खदशा था। लिफ्ट के ऊपर 30 फुट की बुलंदी पर तार के हेलीकॉप्टर से टकराने का खतरा भी मौजूद रहा। पाक आर्मी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों और टीचर को खाना और दिल की धड़कन नॉर्मल करने की अद्वियात भी पहुंचाई। मोदी सरकार ने इक्तदार में रहने के लिए खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार। आईएसपीआर का कहना है, फिरोजपुर के गरमेज सिंह, शिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलविस हैं। जालंधर का रिहायशी महिंदर सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाला गुरविंदर सिंह भी गिरफ्तार। मुलजमों के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय बीएसएफ का स्मगलरों के साथ मुमकिन गठजोड़ बेकयास नहीं। तवक्को है बीएसएफ बॉर्डर पर निगरानी का मौसर निजाम स्मगलरों के साथ गठजोड़ खत्म करेगा। पाक फौज के मजीद 6 जवान धरती पर कुर्बान। जुनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। झड़प में 4 दहशतगर्द भी मारे गए, 2 जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशे के पेश नजर ऑपरेशन जारी। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां पाक फौज के अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। नजरिया पाकिस्तान को आम करना अव्वलीन तरजीह है। कोशिश होगी गैर जानिबदाराना और आजादाना इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्टोरल प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए तमाम तवानाइयां सर्व करेंगे। हर शहरी के हकूक की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से एमकेएम पाकिस्तान के वफद की मुलाकात। नई हलका बंदियों, आम इंतखाबात के इनाकात से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में सिंध के तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत की गई।